नमस्ते सभी को। अभी इस कड़ी में हम कौशल किशोर बोटोलिया भैया की शेयरिंग को सुनेंगे। भैया स्वागत है आपका। मैं आपका छोटा सा परिचय रखना चाहता हूँ। कौशल किशोर बोटोलिया भैया, आप इंडियन एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। भैया अभी मतलब रिटायर्ड हुए और दिए। भैया ने जो उनका फर्स्ट UHE वर्कशॉप था वो जुलाई 2021 में किया था, और अभी UHV वॉलेंटियर के रूप में भैया अपनी भागीदारी को निभा रहे। मध्य प्रदेश में जो राज्य आनंद संस्थान के साथ में जो कार्य चल रहा है उसमें वॉलेंटियर्स की मीटिंग्स को कंडक्ट करना, मीटिंग्स के मिनट्स ऑफ रखना, इस बात में भैया अपनी वॉलेंटियरिंग को रख रहे हैं। तो भैया स्वागत है, ओवर टू यू। नमस्ते नमस्ते सभी को। जैसा परिचय मेरा दिया है, मेरा नाम कौशल कौशल किशोर बुटालिया है। जो एयरफोर्स में मैंने 75 से लेकर के 96 तक सर्विस की है। उसके बाद मैंने स्वेच्छा से वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स में भी रहा हूँ एज ए मैनेजर ऑपरेशंस। फिर एक कॉलेज में एज ए डायरेक्टर भी रहा हूँ, प्रोफेशनल कॉलेज में। इस तरह मेरा चलता रहा है। और मेरे परिवार को देखें तो मेरे परिवार में पत्नी वो घर का संभालती हैं, और मेरा एक बेटा है जो मनोरोग विशेषज्ञ है। वो यहाँ पर ग्वालियर की जो मानसिक आरोग्य शाला है, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल, उसमें HOD है, और एक ग्रैंडसन है। तो इस तरह फैमिली हो गया। और UHV से जुड़ना मेरा 2021 में हुआ, जुलाई में। उसके बाद फिर मैंने स्वयं एक FDP की है, तथा जो सोहाय के अभ्यास सत्र से मैं सितंबर 2021 से जुड़ा हूँ। बीच में जो टीचर्स की ट्रेनिंग हुई थी भानु भैया के साथ में, 15 दिन उनके साथ टीचर्स ट्रेनिंग में भी फेस टू फेस जो भोपाल में हुई थी उसमें भी मेरी सहभागिता रही है। अब आते हैं इसके अभ्यास एक व दो में क्या समझ बनी है। तो जो अभ्यास एक में मैं विशेष रूप से शेयर करूंगा। शुरू में लगा कि यह तो बहुत आसान है, पर जब सजगता से स्वयं द्वारा स्वयं को देखना शुरू किया तो कल्पनाशीलता में ही बह जाता था। ज्यादातर यही होता था, पर जब पता चलता था तो पता चलता था कि बहुत समय इसमें बीत गया है कल्पनाशीलता में बहते हुए। धीरे धीरे सजगता बढ़ती गई, कुछ अलग अलग तरह से अपने को सचेत करने के लिए प्रयत्न किए कि जो भी एक्टिविटीज करता था उस पर ध्यान देता था। अपने को होश में रहकर कई प्रयत्न करता रहा। एक्चुअली पहले असाइनमेंट जो होते थे उनको लिखता था, उन पे भी ध्यान देता था बीच के जितने भी सेशंस हुए हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इस बार मैंने निर्णय लेके 9th बैच में मैंने डायरी को लिखना शुरू किया, और अपने साथ 30 मिनट शाम को सोने से पहले बैठना शुरू किया। वो एक निरंतरता हमने बना के रखी, कंटिन्यूटी रही। एक्चुअली शुरू में जब डायरी में लिखता था तो विचार आता था कि पूरा दिन तो अच्छा गुजरा है, इसमें लिखने का क्या है। पर जब लिखना जारी रखा तो दिन की सारी घटनाएं याद आने लगी कि कब कब भाव बिगड़ा है, कब कब कम कल्पनाशीलता में बह गया हूँ। बारीकी से अपना मूल्यांकन कर पाया। शुरू में कुछ ज्यादा लाइनें नहीं लिख पाता था, पर अब अपने बारे में लिख पाता हूँ। अब सजगता बढ़ गई है तथा विचारों से भाव को देख पा रहा हूँ। पर यह नहीं कि हरदम ये हो पा रहा है। हाँ, यह है कि जब भी भाव बिगड़ते हैं तो उसके पीछे की मान्यताएं संस्कार देख पाता हूँ। अगर हम स्टेप दो को देखें, 2 और 3 में एक्चुअली ये अपना स्वमूल्यांकन है ज्यादातर, तो वो भाव को देख पाता हूँ तथा जो सहज स्वीकार है उसको देखता हूँ, तथा जो भाव मुझे सहज स्वीकार हैं तो आराम में रहता हूँ। ये बात समझ में आने लगी है। और जो भाव हमें जब हम जो भाव स्वीकार नहीं है तो उस समय मैं आराम में नहीं रहता हूँ। स्टेप 4 को देखें कि हमारी ये फीलिंग को कौन डिसाइड करता है, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये फीलिंग को जो भी चल रहा है विचार फीलिंग्स उसको डिसाइड मैं ही करता हूँ, और इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। बाहर की परिस्थिति और व्यक्ति सिर्फ उसको ट्रिगर करने में मदद करते हैं।
सबसे ज्यादा इस पे जो स्टेप 5 है कि निर्णय का आधार, यह देखता हूं कि हर क्षण जो भाव है उसका निर्णय तो मैंने लिया है, पर निर्णय का आधार क्या है, सही समझ या सभी सही समझ के अभाव में मान्यता। तो ये इस पे जो है काफी काम हुआ है, मैं इस पे काफी काम कर रहा हूँ कि किस आधार पे लिया है। जैसे ही कोई भाव बिगड़ता है या जब भी कोई विचार चल रहे होते हैं, तो वो विचार क्यों चला रहा हूँ मैं बार बार, फिर उसके पीछे क्या है, क्या मान्यता है, तो वो भी अब समझ में आने लगी है। तो जो पीछे की तरफ, जो विचार से भाव, भाव के पीछे क्या है, मान्यता है या संस्कार है, वो देखने में आने लगा है। तो फिर जो है स्थिति अपने आप सुधरने लगी है, जब हम उसको बैकवर्ड देखते हैं कि इसका आधार क्या है, ये विचार क्यों आया, या ये हमारे पास ये रिएक्शन क्यों हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात बनी है। और जो 6A को देखें, कौन सा भाव सहज स्वीकार है, यहाँ से हम अपना और गहरा मूल्यांकन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि संबंध का भाव स्वीकार है, व्यवस्था में रहना स्वीकार है। ये संबंध व्यवस्था को समझने लगा हूँ, पूरी तरह समझने लगा हूँ, और प्रकृति और अस्तित्व इसको भी काफी समझ बन गई है। अब उसमें बिल्कुल ही भी संशय या संदेह नहीं है कि ये जो है वो बिल्कुल सही है। हाँ, ये बात जरूर है कि हरदम वो स्थिति तो नहीं रह पाती है, हाँ, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं रहा है कि हाँ ये चीजें ठीक है। अब 7वें स्टेप में थोड़ी थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन, या कहें जो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप है, तो इसमें अभी काम हो रहा है, ये नहीं कि पूरी तरह हो चुका है और इसको संपूर्णता से पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये कहूँ कि हाँ इस पे काम चलना शुरू हो गया है। अब अगर हम एक्सरसाइज 2 को देखें, तो ये मानना पहले काफी कठिन था कि मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकता हैं, लेकिन अब पूरा तरह ये निश्चित आश्वस्त हो गया हूँ। लेकिन हाँ, ये अभी भी वो जो पुराने संस्कारों के कारण कभी कभी देह को मान के हो जाता है, और शरीर के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, ये क्लियर है बिल्कुल। ये जो मेरा निर्णय लेना, किस संवेदना को पढ़ना है, किस संवेदना को नहीं पढ़ना है, ये भी दिखने लगा है कि मैं देखता हूँ कभी कभी कोई संवेदना आ रही है जो पहले बहुत असर डालती थी, जैसे शरीर में कोई पेन हुआ, या जैसे शरीर में मेरे को अक्सर जो गैस्ट्रिक टाइप लेफ्ट साइड में पेन होता था, तो मुझे बड़ा भय लगने लगता था, अरे पता नहीं क्या है ये। लेकिन अब हाँ, उस संवेदना को सही तरह से मैं पढ़ पाता हूँ। और शरीर और इसके बीच में दूरी, जो संवेदनाओं को पढ़ता हूँ, तो वो भी दिखती है, लेकिन ये क्लियरिटी है, लेकिन पूरी तरह अभी तक नहीं हुआ है ये। और जैसे इसका 5वां स्टेप देखें कि बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर पर पहुंचता है, और उसको निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। तो बाह्य परिस्थिति का प्रभाव, दूसरों का व्यवहार, बाहर की घटनाएं, शरीर में होने वाली संवेदनाएं, इन घटनाओं को मैं जो अर्थ देता हूँ, उसमें जो स्टेप्स देखे हैं हमने, कि जो बाहर के स्टेप हैं और जो हमारे अंदर 5 स्टेप्स हैं, उनको हाँ मैं देख पाता हूँ कि जो संवेदना आई उसको मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने फिर उसको अर्थ दिया, अर्थ देने के बाद फिर मेनली जो अर्थ देने वाला काम है उसमें अभी काफी क्लियरिटी होने लगी है। पहले जो अर्थ देता था, जनरली वो सही समझ पे आधारित नहीं होते थे, या तो वो मान्यता से होते थे, या जनरली वो दूसरों की जगह से जो इंफॉर्मेशन आई है, कि चाहे वो पेपर में पढ़ा हो, चाहे आपको टीवी के माध्यम से सुना हो कि ऐसा होता है, जैसे सर्दियों में बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये और वो, तो जरा सा भी वो होता था तो लगता था नहीं यार ये, उससे प्रभावित हो जाता था। लेकिन अभी निर्णय ले पा रहा हूँ कि हाँ क्या क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, ये आ गया है। और स्टेप 6 को अगर देखें, तो कि हमारे संस्कार मान्यता पे आधारित हैं, तो निरंतर
सुख की स्थिति नहीं बनी पाती है, तथा बाहर से जब हम भाव पाने के लिए होते हैं तो उसमें परतंत्र रहते हैं। ये भाव पाने के लिए तो कभी कभी मेरी परतंत्रता है, लेकिन अनुकूल संवेदना पाने के लिए वो नहीं है। और दूसरा ये है कि जब हम हमारे निर्णय सही समझ पे आधारित होते हैं तो आराम में रहता हूँ। पहले मैं देखता था कि यह तो किसी के बारे में सोचता था, यार ये तो ऐसा ही है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये नहीं बदल सकता, तो उस वो भाव विरोध का भाव बना रहता था कि नहीं, इससे कोई बात करके भी कोई फायदा नहीं है, ऐसा रहता था। लेकिन अब संबंध का भाव आता है तथा देख पाता हूँ कि वह परेशान है और मैं किस तरह उसकी समझ बढ़ाने में सहायक हूँ। स्टेप सेवन, ये थोड़ा सा जो को एग्जिस्टेंस विद स्पेस, ये बीच में काफी चर्चाएं हुई हैं। गणेश भैया ने भी आके बोला था कि स्पेस के बीच में जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा था अगर स्पेस नहीं है तो दोनों चीजें एक हो जाएंगी। ये बात मुझे काफी क्लिक की और उससे ये स्पष्टता बनी कि जो को एग्जिस्टेंस है में हम लोग हैं, लेकिन स्पेस है हर एक के बीच में, वो स्पेस को मैं अभी समझ पाया हूँ। ये नहीं कि हरदम वो दिखता है, लेकिन हाँ ये समझ बन पाई है कि हाँ हर एक इकाई के बीच में जो स्पेस है, अंदर भी है बाहर भी है, वो बहुत स्पष्ट हो गई है बीच के जो डिस्कशन से। सबसे संबंधित हूँ, यह स्थिति कभी कभी बनती है पर बहुत ही सुखद होती है। ये जो ये दिखने लगा है कि मैं सबसे संबंधित हूँ, तो ये जो प्रेम का भाव जो होता है ना, वो आने लगा है, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ निरंतरता तो नहीं है, लेकिन इसका जो सुखद अनुभव है वो होने लगा है। और इसके कारण जब हम सबसे संबंधित हूँ ये बात हमें स्पष्ट हो गई है, तो फिर जिम्मेदारी का भाव भी दिखने लगा है कि मैं मुझे जो है और उस पर काम भी कर रहा हूँ इस तरह। तो मेरा 7 स्टेप के बारे में ये जो बातें आपसे कही हैं। अब स्टेप जो 4 है उसमें ये कहा गया सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो सुख स्वभाव है प्रभाव ये मैं बिल्कुल देख पाता हूँ, इसमें तो अभी कोई संशय नहीं है। और जो हम लोग अभी जो यूएचपी से जुड़े हुए सेशंस ना होके जो राजानंद संस्थान के भी सेशन है उसमें भी ये कंटेंट सब सभी जो ट्रेनर्स हैं जनरली ये पहुंचने लगा है और लोग उसके हिसाब से भी जो भी सेशंस लेते हैं उसमें इसका भी प्रभाव है। इसकी पूरी समझ तो बन गई है तथा काफी समय इसमें रह पाता हूँ, पर कभी कभी जब सजग नहीं होता हूँ तो बाहर से सेंसेशन पाने के लिए थोड़ी कोशिश करता हूँ, जैसे कभी कभी टीवी देख लिया कुछ देर के लिए, उसमें प्रोग्राम देख लिए। और दूसरा शरीर के लिए मैं थोड़ा काफी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हूँ, शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए उसका उपयोग करने लगा हूँ, क्योंकि पहले मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज रहा हूँ अथा इसकी निरंतरता बनाए रखने में मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अभी भी मैं शरीर के लिए वो समय देता हूँ और बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, चाहे वो खाने का मामला हो चाहे कुछ, उसमें जो है हमारा संयम जो है बरकरार रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब स्वयं के लिए और परिवार के लिए भी समय निकाल पाता हूँ, समाज में भागीदारी अभी थोड़ी कम है। कमिटमेंट की बात कहें तो राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए, सही समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं, तो इसमें मैं ज्यादा समय दे रहा हूँ आजकल, जैसे कि करीब 1 घंटा तो मैं रोज ही निकालता हूँ, उससे ज्यादा ही हो जाता है मैं कहता हूँ, जिसमें कि यूएचबी के वीडियोस देखता हूँ, UHB 2 और 3 के जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको सुनता हूँ। उसको देखने से बहुत, उसको सुनने से बहुत ही क्लियरिटी बनी है, क्योंकि जो FAQ में जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो ऑलरेडी काफी जानकार हैं और उसके उत्तर देने में गणेश जी का खास तौर से जो वीडियोस काफी देखे हैं जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चंस को आंसर किए हैं, तो उससे बहुत ही जो है हमारी क्लियरिटी बनी है। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, भागीदारी है, उसमें मैं स्कूल एजुकेशन में जो काम मध्य प्रदेश में चल रहा है उसमें मैं पूरी तरह योगदान दे रहा हूँ।
ग्वालियर जिले के जो 9 स्कूल हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, उन स्कूलों में जो टीचर्स विषय वस्तु को रख रहे हैं उसमें अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो उसमें मैं सहयोग करता हूँ, और विद्यार्थियों व शिक्षकों की जो फीडबैक है उसको भी थोड़ा कंसोलिडेट करके वहाँ पहुँचाना, जिससे कि अगले सत्र के लिए प्रोग्राम बन सके। अभी तक पिछले सत्र में हम लोगों ने 9वीं 10वीं ली थी, इस साल हम लोग 11वीं 12वीं क्लास भी लेने जा रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए जो भी प्रोग्राम बनेगा उसमें भी मेरी सहभागिता रहेगी। पहले मैं सोचता था कि पहले पूरा समझ लूं उसके बाद सहभागिता करूंगा, लेकिन जब मैंने विषय वस्तु से जुड़ी मीटिंग्स ट्रेनिंग में सहभागिता करना शुरू किया तो विषय वस्तु में बहुत क्लियरिटी बनने लगी। पहले फिर मैंने सोचा जितना भी जो भी समझ बनी है उसके साथ ही सहभागिता भी शुरू कर दी जाए, तो ये जो सहभागिता करने से मुझे जो है उसका परिणाम यह हो गया कि समझ बढ़ाने में काफी गति बन पाई है। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि यह विषय वस्तु के बारे में बहुत ही स्पष्टता हो गई है तथा यह करने लायक काम है, यह जो है इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए मैं जो है इस काम को करता रहूंगा और कर रहा हूं। ये मेरा इतना ही कहना था, तो मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप लोग मेरे में जो जहां जहां जिस स्टेप में मेरे में जो कमियां दिख रही हैं उसको अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे या दर्शाएंगे तो मुझे मदद मिलेगी, तो मैं चाहूंगा आप लोग उन बातों को कि अच्छा रहा इतना ना कह के कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है उसमें अगर आप बात रखेंगे तो मुझे और भी मदद मिलेगी। धन्यवाद, मैं इतना ही कहूँ। अभी मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ। सभी को नमस्ते। कौशल भैया की शेयरिंग अच्छी रही। कौशल भैया की मैं कहूँगा बड़ी ही तत्परता से सुबह का सत्र अटेंड करते रहते हैं, भागीदारी भी करते रहते हैं, भैया का जुड़ाव भी लंबा है। भैया आपकी उम्र अभी कितनी हो गई कौशल मेरी भैया? 68 है। 68 बताइए। तो 68 की उम्र में आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, और जब जब मैंने देखा है एमपी में वर्कशॉप होता है आप पहुंच जाते हैं और वहां समुचित रूप से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का भी काम करते हैं, और आपका उत्साह भी है इस उम्र में, उत्साह भी है कि समझा जाए। बिंदुवार ढंग से आपने पूरे अपने ऑब्जर्वेशन को रखा, और हर बार आप रखते हैं और ये दिखता है कि आपका मन लगा हुआ है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि मन लगा हुआ है तो इससे स्वयं में भी विकास आपको दिख रहा होगा, और आप अपने को इस उम्र में भी समाज के लिए उपयोगी बनाने के लगे हुए, पूरी टीम के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए भैया ढेर सारी शुभकामना।